माय लवली लिटिल एटम्स, आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे हैं, घर पे हैं एंड एकदम सेफ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। माय नेम इज अनुभा गौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर राज वेदांतु, नाम तो सुना ही होगा आई होप, वरना तो मतलब दिल टूट जाएगा मेरा। ओके, जोक्स अपार्ट स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। नाम से नहीं लग रहा आपको, सिक्स इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस दैट चेंज्ड हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव। कि ऐसे तो हम करोड़ों रिएक्शंस जानते हैं, खैर करोड़ों तो नहीं जानते, बट हाँ ऐसी करोड़ों रिएक्शंस हुई है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से कुछ सिक्स इंपॉर्टेंट मुझे चुनना हो कि इसने हिस्ट्री को चेंज करने में, अगर मैं कंपेयर करूँ 1920 and 1870 समथिंग और आज के टाइम में, तो हम आज यहाँ पे हैं क्योंकि उन रिएक्शंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जस्ट वेयर वी आर। तो आई थिंक आप सब लोग जानना चाहोगे ऑल द रिएक्शंस विच आर इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। तो प्लीज अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स ऑफ योर अनुभा मैम। एक लाइक तो बनता है क्योंकि इससे कोई नुकसान तो नहीं होने वाला आपका, बल्कि आपको सारे वीडियोस जो भी इंपॉर्टेंट है आपकी स्क्रीन पे आते जाएंगे बिकॉज यू लाइक दैट फीड। उसके अलावा शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, उनको भी तो पता चले दैट हाउ वेदांतु प्लेटफॉर्म इज वर्किंग, एंड ऑल्सो उनकी नॉलेज भी थोड़ी बढ़ा दो, यू नो थोड़े दानवीर बन जाओ। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि ऐसे कोई भी अमेजिंग वीडियो आए तो आप मिस ना करो। आई मीन अपने मुंह में या मिट्टू बिल्कुल नहीं बन रही हूँ, इट वॉज जस्ट से कि हाँ हाउ वेदांतु 19 चैनल इज डूइंग फॉर यू, ऑल द टीचर्स आर डूइंग फॉर यू, दिस अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स और इस कम्युनिटी को और भी बड़ा बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई ऑल रेडी, एक फायर इमोजी हो जाए या फिर ये वाला इमोजी, दैट्स माई पर्सनल फेवरेट, जबकि मुझे अच्छे से पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे कूल लगता है बस ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो फिर शुरू करते हैं with none other than your Anubha ma'am, your AG ma'am. I hope all of you are super super ready and excited, and aur kuch nahi, bas itna hi kafi hai. main bhi iske tarah try karti hu. Are you ready? okay, let's start right away. So according to me, ye wali reaction ne bahut zyada important role play kiya hai. Aapko kya lagta hai, saponification? एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, मैंने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करके जो पिछला एकेडमिक ईयर है उसमें वीडियोस बनाई हैं कुछ, और उसमें से एक सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने आपको सोप बना के दिखाया है कि सोप कैसे बनता है। तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख लेना। आई टेल द टीम के यहाँ पे वो जो आई सेक्शन होता है ना ऊपर, वो अटैच कर देंगे लिंक और आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो। ठीक है, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन ने कैसे चेंज किया टाइम को, याद करो अगर मैं पहले के टाइम की बात करूँ तो पीपल जस्ट टेक वाटर एंड टेक बाथ, है ना। तो वो इंसान सिर्फ पानी से कैसे क्लीन हो सकता है व्हेन इट कम्स टू ऑयल्स एंड ग्रीस, ऐसे सपोज ऐसे कोई काम कर रहा है जिसमें हम ऑयल ग्रीस जैसी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, मिट्टी बहुत ज़्यादा लग गई है विद ऑयल एंड ग्रीस, तो वो पानी से तो नहीं जाएगा, और उससे कि जर्म्स भी प्रोड्यूस होते हैं और हमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, और जो स्मेल आएगी वो अलग है ना। सोचो, इमेजिन करो आप एक महीने तक नहाओ ना तो आपके साथ क्या होगा, आई विल बी लाइक कौन है ये इंसान, है ना। तो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन ने डेफिनेटली टाइम को चेंज कर दिया हमें क्लीन एंड हेल्दी रखने के लिए, और आज के टाइम में तो आपको पता है ये कोरोना टाइम है और हम सब लोग बोलते हैं वॉश योर हैंड्स एंड इवन योर सोप इज गोइंग टू डू अ ग्रेट जॉब। तो अगर आप बहुत कोई अच्छा डिसइंफेक्टेंट नहीं, सोप से भी अच्छे से वो 30 सेकेंड्स तक अपने हाथ धो और कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना आपको छुएगा भी नहीं अगर आप सारे प्रिकॉशंस मेजर कर रहे हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि ये रिएक्शन है क्या, कैसे हुई। आई नो डिटेल ऑफ रिएक्शंस आपको जानना जरूरी नहीं है कि ये मॉलिक्यूल में से ये पार्ट आया, इसके साथ रिएक्ट किया, क्योंकि टू मच ऑफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम इम्पॉर्टेंट पार्ट को सीखते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए जरूरी है। तो देखो, जो सोप का जो रिएक्शन है, जनरली पहले के टाइम में जैसे बना के उसको यूज किया जाता था, क्या करते थे, एनिमल फैट है ना, बहुत सारे बीच में भी कितना बात चली थी कि ये जो सोप है आप यूज मत किया करो, एनिमल्स की जो चर्बी होती है, फैट है ना, वो यूज करते हैं, एंड दैट्स ट्रू। एनिमल का जो फैट होता है ना, उनकी जो चर्बी होती है, या तो उनको मार के या फिर जब वो मर जाते हैं उस चर्बी को यूज करके, वो फैट को निकाल के उसके साथ थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी एशेस, ये सब मिक्स करके एल्कली, एल्कली क्या होता है स्टूडेंट्स, वाटर सोल्युबल बेसिस होते हैं, वो
सोपी टेक्सचर रखते हैं और वो बहुत जरूरी होते हैं सूप बनाने के लिए। बट पहले बहुत सिंपल था, एनिमल फैट को मिक्स किया एशेस के साथ, सॉल्ट के साथ। सॉल्ट जरूरी होता है ताकि वो सूप प्रेसिपिटेट हो जाए, और ऐसे यूज करते थे, ठीक है। बट आई थिंक आप सब ने इस सिटी का नाम सुना होगा, बेबीलोन। मैंने एक बुक पढ़ी थी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, सच एन इंटरेस्टिंग बुक। तो उसमें वो अभी जो है वो इराक का पार्ट है, बहुत ही आई मस्ट से अपने टाइम में बहुत ही एडवांस्ड यू नो जगह थी वो। तो वो जो जगह थी 2800 BC में वह सबसे पहले सोप बनाया गया। आपको इसी से पता चल गया होगा कितनी एडवांस थी। और आज सोप को हम कैसे बनाते हैं उस रिएक्शन को मैं आपको बता देती हूँ। अगेन वो वीडियो से देख सकते हो, वेजिटेबल ऑयल को यूज करते हैं हम। वेजिटेबल ऑयल ले लिया, या तो कोई भी कोकोनट ऑयल ले लिया, या सोयाबीन ऑयल ले लिया, या कोई भी, या फिर एनिमल फैट, ठीक है। हम बिल्कुल खराब है, आई मीन बिल्कुल अगेंस्ट है एनिमल क्रुएल्टी के। तो ध्यान रखना कि ऐसा कुछ सोप ना लो, अवॉइड करो। आई नो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट जो भी है जिसमें हम एनिमल को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो दिस ग्रेट डील, एटलीस्ट फॉर मी। तो प्लीज उसके बारे में सोचना। तो उनको लेके उसके साथ एल्कली को, और आपको पता है ये तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, मेरा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज गुड एल्कली, वाटर सोल्युबल बेस, दोनों को मिक्स किया जाता है, थोड़ा सा सॉल्ट, ताकि वो जो हमारा सोप बनेगा वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाए, और उसको हीट करते हैं हम थोड़ा, ठीक है। वैसे तो एक खुद एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट रिलीज भी होती है, टच करोगे हल्का सा गर्म होता है, और उसको सेट होने दो फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 डे या ओवरनाइट। आप देखोगे अगले दिन आपको अपने सोप का प्रेसिपिटेट आउट करके उसका केक बना पाओगे। इजंट इट लाइक अ ग्रेट थिंग। तो हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी अकॉर्डिंग टू मी, जिसने बहुत कुछ बदल दिया। तो दिस इज वन थिंग अकॉर्डिंग टू मी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है स्टूडेंट्स, पीसीआर। पीसीआर कितना भयानक सा नाम है, अब इसका नाम सुनो और भी भयानक लगेगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, घबराना नहीं है। 8th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने प्लास्टिक्स के बारे में, है ना। तो याद करो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7th या 8th में। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जब भी हम प्लास्टिक को बनाते हैं ना, दैट्स अ प्रोडक्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमर होता है वो, एक पॉलीमर क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले मोनोमर से शुरुआत करते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, वन, और मर का मतलब होता है यूनिट। तो ऐसे कोई केमिकल यूनिट, मैंने एक केमिकल सब्सटेंस सिंगल ले लिया विच इज कॉल्ड एज मोनोमर, उसको बार बार रिपीट किया एन टाइम्स आपस में बॉन्ड कराने के लिए, हीट करके या कुछ चीज़ों से रिएक्ट करा के, कुछ कैटलिस्ट इसमें ऐड करके, ठीक है। तो वो आपस में जुड़ते चले गए एंड दे मेक अ वेरी बिग चेन, वो बनता है पॉलीमर। पॉली मतलब मैनी, मर मतलब यूनिट, जिसमें बहुत सारे यूनिट आपस में जुड़ गए। जैसे सपोज मुझे एक माला बनानी है पॉल्स की, तो एक पॉल जो है वो मोनोमर, बार बार रिपीट होके मेरी पूरी माला बन गई, वो पॉलीमर, ठीक है। तो ये होता है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। अब यहाँ क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेसिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल टर्म्स, अगर मैं बोलूं, क्योंकि इस रिएक्शन में पता है क्या करते हैं, आपको पता है डीएनए हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपको मुझे अलग करता है वो हमारा डीएनए है। डिफरेंट डिफरेंट डीएनए डिफरेंट डिफरेंट लोगों में होता है, और डीएनए कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट्स, आई नो आपके अम्मू सर की तरह तो अच्छी वाली ड्रॉइंग नहीं है मेरी, ऐसे दो स्ट्रैंड आपस में मिलते हैं, और इस स्ट्रैंड में कुछ और नहीं, बहुत सारे केमिकल यूनिट्स हैं जिन्होंने आपस में बॉन्ड बना के चेन को प्रिपेयर किया है। मोर ऑफ लाइक अ हेयर स्ट्रैंड, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा हो गया, उससे भी बहुत 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 छोटे, और ऐसे दो स्ट्रैंड आपस में मिलते हैं, ये डीएनए होता है। तो ये प्रोसेस क्या करती है, ये डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करती है। सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के बाद कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस को इससे जोड़ के, और इसका पॉलीमराइजेशन कराती है, मतलब अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए लिया, उसकी सिंगल चेन बनाई, और उसका पॉलीमराइजेशन, उसी से अ लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए कैन बी प्रोड्यूस, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इफ आई से मान लो किसी को कोई जीन म्यूटेशन होता है, किसी को हेरिडिटरी कोई डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो कैसे डिटेक्ट किया जाता है, उसके डीएनए को डिटेल से पढ़ के, जितना अभी तक साइंटिफिकली इतनी रिसर्च हुई है, तो यही किया जाता है उसका डीएनए के सैंपल से, कॉपी करा करा के एक लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए
ऑब्जर्व करके लिया जाता है और उससे फिर पूरी डिटेल, जीन्स म्यूटेशन कैसे हुआ है और उसमें डिफेक्ट अगर कोई आया है तो क्यों आया है। और सब सपोज किसी इंसान, अगर मैं बात करूँ डिटेक्टिव पर्पज पे, कोई डॉट किसी को कोई बॉडी मिली है तो उसमें क्या किया जाता है, जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्या करते हैं, तब भी उसका डीएनए सैंपल लेते हैं टू ऑब्जर्व के उसने कुछ लिया था या उसका किसी के साथ कनेक्शन है एंड एवरीथिंग, ये सब चेक करने के लिए भी। मान लो किसी को कोई बहुत साल पुरानी बॉडी मिलती है कि हम कोई डिगिंग कर रहे थे और हमें कोई बहुत पुरानी बॉडी मिली। मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी थी, एक इंसान की डेड बॉडी मिली, डेड बॉडी क्या पूरा वो जो स्केलेटन है एंड उसके हाथ पैर ऐसे बंधे हुए थे और वो स्केलेटन मिला था एक जगह पे, कि वो पहला ऐसा केस था जिसमें किसी इंसान को जिंदा दबाया गया था, पनिशमेंट दी गई थी, आई गेस कैपिटल पनिशमेंट, नॉट श्योर क्या राइट टर्म है, ठीक है। तो उसका डीएनए का सैंपल लेते हैं वो और उसको कॉपी कर करके उस टाइम पे क्या चल रहा था, उसका डीएनए कैसे डिफरेंट है, कंडीशंस क्या है, वो सब भी जाना गया था। तो इजंट इट लाइक अ ग्रेट थिंग, सो क्यूरियस टू नो कि हमारा साइंटिफिक डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि हम कितनी सारी चीजें पता कर सकते हैं, वी आर नॉट एप एनी मोर, है ना। सो दिस इज समथिंग अबाउट दिस रिएक्शन। एक्साइटेड अगली रिएक्शन ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मैं तो मानती हूँ कि अगर मैं मास्टर्स कर पाई हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इस रिएक्शन की देन है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कैसे, चैट सेक्शन में बताएगा कैसे, थोड़ा जिसको भी आइडिया है। या चलो फिर मैं बता देती हूँ, डरने का नहीं, why to fear when your Anubha ma'am is here, टन 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 टन। मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ आपकी वो सुपर हीरो बनने के लिए, एटलीस्ट केमिस्ट्री की टर्म्स में। आपके मास्टर टीचर्स आर टीचर्स वाले सुपर हीरो। ओके, चलो बताती हूँ रिएक्शन क्या और कैसे हुई थी। आई थिंक अगर आप 10th क्लास पास कर चुके हो तो आपको याद होगा मैंने 4th चैप्टर में पढ़ाया था, एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिच होलर, उसने यूरिया को प्रिपेयर किया था, बट आपको पता है उसको कम्प्लीटली क्रेडिट नहीं मिला था क्योंकि उसने उसको डिटेक्ट करके ये नहीं बताया कि ये सब्सटेंस है एंड ऑल। उसका पर्पस बस इतना था कि वो वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर सके। वाइटल फोर्स थ्योरी, चलो वापस चलते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, जो ये बताती है कि जितनी भी हमारे पास चीज़ें ऑर्गेनिकली मिली है वो लिविंग सब्सटेंसेस से ही मिलती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक मतलब ही लिविंग है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे आसपास वो इसीलिए पॉसिबल है, देयर इज सम वाइटल फोर्स, कोई दैवीय शक्ति, गॉड है जो इन सब चीज़ों को बनाया है लिविंग बींग्स को, जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ मिलता है। हम नहीं बना सकते, ह्यूमन बींग कांट डू एनीथिंग, ठीक है। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया, फ्रेडरिच वोलर ने एक अमोनियम साइनेट जो आपके सामने लिखा है, इस सब्सटेंस को लिया, हीट किया और यूरिया बना दिया, विच इज ऑलरेडी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट मेरा पॉइंट क्या है ये बताने का कि उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, देखो मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैबोरेटरी में प्रिपेयर करके दिखा दिया, सो इट्स नॉट लाइक ओनली वाइटल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, बट मेन क्रेडिट किसको जाता है, जिसने इसको आइसोलेट करके प्रेजेंट किया था एज यूरिया 1773 में, हिलेर मेरिन रॉयल। अब इतनी मेरी फ्रेंच अच्छी नहीं है, हाउ टू प्रोनाउंस इट, आई होप एनी फ्रेंच पर्सन, मतलब जो सुन रहा है, जो स्टूडेंट फ्रेंच सीख रहा है, दे नो इट बेटर। तो उसने सबसे पहले प्रिपेयर करके बताया था। तो आप बोलोगे मैम हुआ क्या इससे, आप समझ रहे हो हमारी पूरी थ्योरी बदल गई साइंस को देखने की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखने की, कि नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लैबोरेटरी में भी बना सकते हैं और यूरिया इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट दैट वी गेट इन आवर यूरिन, एनिमल यूरिन, ठीक है। तो तब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पूरी हिस्ट्री बदल गई एंड आज हम 10 मिलियन एंड मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जानते हैं, वो इसकी बहुत सारी देन है क्योंकि हम बना पाए, समझ रहे हो, इम्पोर्टेंट। चलो गुड टू नो कि आपको पसंद आया। अच्छा ये इसका तो क्या कहना, आई सीरियसली कैन से कि आज के टाइम में तो इसके बिना लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। आई नो बहुत अच्छी बात नहीं है जो भी ये है, बट थोड़ा मुश्किल लाइफ हो जाएगी। वी आर टॉकिंग अबाउट आर पॉलीथिन, पॉलीथिन घर में यूज करते हो। अच्छा पॉलीथिन बहुत सारे लोग समझते हैं पॉलीथिन इज ओनली लिमिटेड टू द कैरी बैग दैट वी कैरी, वो पॉलीथिन वाला नहीं। अभी मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनो, व्हाट इज दिस रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। आई थिंक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस समझ में आ गई लास्ट रिएक्शन से, पॉलीमर का बनना, एक सब्सटेंस मोनोमर बार बार रिपीट होता है तो वो पॉलीमर बनाता है। इथाइलीन एक सब्सटेंस है, अगेन
टेंथ क्लास फोर्थ चैप्टर, इथाइलीन इज माई C2H4. इथाइलीन इज द कॉमन नेम ऑफ इथीन. इथीन क्या होता है? इथ मतलब टू कार्बन, इन मतलब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. ये इथीन था, कॉमनली कॉल्ड एज इथाइलीन. इसका पॉलीमराइजेशन हो रहा है, एन नंबर ऑफ इथीन आपस में जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और तब हमें मिला पॉलीथीन. अब आप बोलोगे मैम पॉलीथीन से हुआ तो हुआ क्या? स्टूडेंट्स, पॉलीथीन का अगर मैं आपको यूज बताऊं ना, तो आप सोचोगे अच्छा ऐसा भी है. पॉलीथीन जो होता है वो दो टाइप का होता है, डिटेल में नहीं बट थोड़ा सा जान लो. एक लो डेंसिटी का पॉलीथीन होता है और एक हाई डेंसिटी का पॉलीथीन होता है. ठीक है, हाई डेंसिटी वाला थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है. बहुत सारी जब आप बॉटल्स खरीद के लाते हो फ्रिज की, तो उसके पीछे देखना कहीं पे लिखा होता है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन या हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन. ओके, वन ऑफ द एग्जांपल इफ आई टेल यू, जब आप देखते हो, जब आप किसी गोले वाले की दुकान पे गए कि भैया ये गोला बना दो, बर्फ का गोला, आपने देखा होगा वो आइस एक कंटेनर में स्टोर करके रखता है. तो वो जो आइस की कंटेनर होते हैं ना, थर्मोस्टैट का जो काम कर रहे हैं, वो भी मेरा हाई डेंसिटी का पॉलीथीन होता है. इजंट इट ग्रेट थिंग? पैकेजिंग मटेरियल बहुत सारा. लो डेंसिटी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, कम स्ट्रांग होता है. अब वो जो पॉली बैग्स आप घर में यूज करते हो वो लो डेंसिटी वाले हैं. वाटर होज नहीं होते, वो पाइप्स होती है जिससे पानी वो करते हो, वो भी लो डेंसिटी वाला है. तो सम ऑफ द एग्जाम्पल, ऐसे प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स है. ठीक है, तो एक्सीडेंटली बना था अगर मैं आपको बताऊं पॉलीथीन, इजंट इट ग्रेट थिंग? तो पॉलीथीन एक्सीडेंटली कैसे बना? 1933 में दो साइंटिस्ट थे जो एक लैबोरेटरी में काम करते थे जिसका नाम था इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज रिसर्च लैबोरेटरी. और वो क्या कराना चाह रहे थे? कोई दूसरी रिएक्शन करा रहे थे. आपको पता है बहुत सारी चीजें तो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई है. वन ऑफ द वेरी बिग एग्जाम्पल इज पेनिसिलिन. पेनिसिलिन सुना ही होगा आपने, एंटीबायोटिक. तो क्या होगा, इथाइलीन के साथ ही वो कर रहे थे, इथाइलीन लिया हुआ था और एक और कंपाउंड था बेंजल्डिहाइड. अच्छा, मैं आपको नाम बता सकती हूँ बट डरने का नहीं है. ठीक है, बेंजीन की रिंग बनाई, टेंथ क्लास वाले बेटर समझ पाएंगे. ये बेंजीन की रिंग है, आपको याद ही होगा. इसके ऊपर मैंने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया. अगेन टेंथ क्लास को पता है एल्डिहाइड इज CHO, दिस इज बेंजल्डिहाइड और ये C2H4. इनका रिएक्शन करा रहे थे आपस में, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये आपस में जुड़ के ना पॉलीमर बना रहे थे. जब फाइनल प्रोडक्ट का मास ऑब्जर्व किया गया तो वहां से पॉलीमराइजेशन की इथीन की जानकारी मिली और इनको फिर सेपरेटली पॉलीमराइज कराया गया. एंड वी गॉट डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ पॉलीथीन बाय डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन गिवन. तो आपको नहीं लगता कि इतनी सारी चीजें हमारे पास है वो पॉलीथीन से ही मिलके आई है? जो प्लास्टिक मेजरली हम यूज करते हैं वो जनरली पॉलीथीन है. तो प्लास्टिक is not a good thing but we can't avoid it completely. So this is also one of the great reaction I must say jisne bahut kuch change kar diya hai. Acche ke liye bhi cheeze sasti ho gayi hai, kharab nahi hoti, and kharab ke liye bhi kyunki environment ke liye it's not a good thing. Yeah, chalo fir aage badhte hain students. ये वाली रिएक्शन का तो क्या कहना. अगर मैं आपको बताऊंगी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, you will be like what? अच्छा लगा जान के ऐसा भी कुछ है. क्या बोला था, क्या बनना है? क्यूरियस माइंड्स. ठीक है, अमोनिया क्या होता है? NH3. अमोनिया को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों, अभी बताती हूँ. पहले ये सुनो किसने बनाया था. हैबर बॉश प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि ये जो दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, एक का नाम था फ्रिट्ज हैबर और दूसरे का था कार्ल बॉश, इन्होंने 1918 में बनाया था. नाइट्रोजन गैस एक्सट्रैक्ट करी, हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कराया, कुछ आपको कैटलिस्ट इसमें डालने पड़ेंगे, आयन जो रिएक्शन रेट को फास्ट करता है. ठीक है, मॉलिब्डेनम जो प्रमोटर का काम करता है रिएक्शन को फास्ट एंड अप करने में, और अपना मीडियम प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तब जाके हमारा अमोनिया गैस बनी थी. बट अमोनिया से हुआ क्या? जो मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर्स आज हम यूज कर रहे हैं वो सब अमोनिया की देन है. फर्टिलाइजर क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पता है पहले क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम होता था, 18th century 19th century की कंपैरेटिवली मैं बात करूं, क्योंकि लोग सिर्फ रिलाई करते थे वो काउडंग के, एनिमल के जो फीसेज होते हैं उसमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट होता है, और वो ड्राई करके वो अपनी सॉइल में ऐड करते थे ताकि क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो. बट अब कब तक रिलाई करेंगे, इतने एनिमल्स तो है नहीं. ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जब से उन्होंने ये अमोनिया बनाया
अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर बनने लगे। और मैं आपको बताऊं कि क्रॉप प्रोडक्ट, इतने बिलियंस ऑफ पीपल है अर्थ पे, सबको फीड करना, क्रॉप प्रोडक्शन इतना तेजी से बढ़ गया उसके बाद, जिसका बस अंदाजा लगाना इज मुश्किल। क्योंकि अभी हम ऑलमोस्ट 450 मिलियन टन्स ऑफ ये अमोनिया हर साल बनाते हैं, और जिसकी वजह से बिलियंस ऑफ पीपल जो है फीड कर पाते हैं अपने आप को। द रीजन इज क्रॉप प्रोडक्शन बहुत 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 बेटर हो गया है, ठीक है। आई कांट से कितना मल्टीप्लीकेशन में, बट काफी बेटर हो गया है। तो आप समझ रहे हो, आज हम सब तक खाना पहुंच पा रहा है इजिली। आई नो सो मेनी पीपल आर सफरिंग ऑल्सो, बट इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट, इतने लोग आसानी से अपने घर पे बैठ के खाना खा पा रहे हैं, और वो इतनी क्रॉप्स है टू फीड ऑल द पीपल इज बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। तो क्रेडिट देना चाहिए, ताली बजाएं, वेरी नाइस, दैट्स अ ग्रेट जॉब डन ए आप स्टूडेंट्स, वंडरफुल वंडरफुल। बट अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि मैंने बताया ऐसे तो बहुत सारी रिएक्शन है, आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जो आपको लगता है जिसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अपार्ट फ्रॉम ऑल दीस। अब ये है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के रिएक्शन, जिसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी बोलते हैं। लेकिन मैम इसमें क्या है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? याद करो, सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बुलाते हैं? किंग ऑफ केमिकल्स, यस, किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ ऑल केमिकल्स। रीजन बीइंग, इस सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से हम बहुत 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 सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं इसकी हेल्प से। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कोरोसिव ऑल्सो एज कम्पेयर टू अदर एसिड्स। कुछ हैं जो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इन जनरल, और इसकी हेल्प से बहुत सारी चीजें हम अपनी डे टू डे लाइफ की बनाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड्स जो हम आज यूज करते हैं। प्रोसेस में किया क्या था, कॉन्टेक्ट प्रोसेस में सल्फर को ऑक्सीडेशन कराया गया, सल्फर डाइऑक्साइड मिला, फर्दर ऑक्सीडेशन बाय अ कैटलिस्ट, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड नाम का हमने कैटलिस्ट डाला था एक फिक्स टेम्परेचर। जब ये बना सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा सा ऐड किया गया, जिसने H2S2O7 बनाया, जिसको हम ओलियम बोलते हैं, ठीक है। इस ओलियम के डाइल्यूशन किया गया पानी डाल के, तब हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला। याद करने की जरूरत नहीं, इट्स जस्ट द इंफॉर्मेशन दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू। ICSE 10th क्लास के तो सिलेबस में भी है ये। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड इतना इंपॉर्टेंट क्यों, इसकी हेल्प से भी बहुत सारे एसिड बना सकते हो, ठीक है। HCl, नाइट्रिक एसिड, सॉरी नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इतना ही नहीं, अब आप याद करो, कार में हम एक बैटरी यूज करते हैं, कार बैटरी, उसमें भी हम इस एसिड को यूज करते हैं। लेड एंड एसिड की बैटरी होती है, और बहुत सारे ड्रग्स, बहुत सारे डाइज एंड फाइबर्स सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से ही बनते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड के बिना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। सबसे ज्यादा जो लोग यूज करते हैं वो है मेटल इंडस्ट्री वाले लोग, क्योंकि स्टील सबसे ज्यादा यूज होता है, एंड स्टील का प्रॉपर्टी के उसको रस्ट लग सकता है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेनलेस स्टील, नॉर्मल स्टील, उसको रस्ट लग सकता है। अब वो रस्ट क्या होता है, आपको पता है, आयन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड। उसको हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो बहुत सारा सल्फ्यूरिक एसिड तो इसी प्रोसेस में चला जाता है, इसको बोलते हैं पिकलिंग ऑफ स्टील, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन है, मोर ऑफ लाइक होमवर्क, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना सल्फ्यूरिक एसिड कैसे हेल्पफुल है टू रिमूव दैट रस्ट लेयर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। और पता है आजकल ऐसा होता है कि कोई भी नेशन कितना एसिड प्रोड्यूस कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, इससे उसकी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस देखी जाती है कि वो इंडस्ट्रियली कितना स्ट्रांग है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं इंडिया की बात करूं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द करेक्ट फिगर, प्लीज चेक कर लेना, अराउंड 52 लाख टन हम हर साल क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, टू मीट आर नीड्स एज अ नेशन। इजंट इट ग्रेट थिंग? एंड आई थिंक आपको समझ आया होगा कि केमिस्ट्री कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री के बिना लाइफ को इमेजिन करना, ये जो ईज आ गया है हमारा टाइम के साथ लाइफ में, दैट्स दैट्स केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वो आप सबको समझ आया होगा। अब आप क्यूरियस होंगे कि वेदांतों के प्लेटफॉर्म को कैसे ज्वाइन करें स्टूडेंट्स, जिससे डेफिनेटली आपकी नॉलेज में बहुत सारा गेन हो सकता है। लेट मी ट्राई टू हेल्प यू, एंड एक सेशन पे चलते हैं अभी। ओके,
ये सेशन से मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, आप अभी वाला जो सेशन चल रहा है उससे भी ये सब कर सकते हो। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, जैसे मैंने चेक किया, ये देखो सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो। फायदा क्या है वेदांतु प्रो का स्टूडेंट्स, आपको एक्स्ट्रा कूपन लगा के डिस्काउंट मिलेगा। और क्यों ले वेदांतु का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपका क्विज का जो भूत होता है ना, हमेशा रहता है क्विज चाहिए क्विज चाहिए, क्योंकि आपको इंटरैक्टिव लर्निंग पसंद है, वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि हर सेशन में, लाइव सेशंस में और इवन रिप्लेज में भी आप क्विज में पार्टिसिपेट कर पाओगे। टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाया, 15-20 मिनट्स छोटू सा क्विज, टॉपिक पढ़ाया फिर क्विज एंड ऑल, ताकि वी कैन मेक श्योर जो पढ़ाया आपको समझ आ रहा है, एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हो। फिर टैप एंड टैप एक्टिविटी होती है, टैप करके बताओ कौन सा सही था, टैप एंड ड्रैग, टैप करके ड्रैग करके उनके राइट पोजिशन पे लेके आओ, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग को यूज करके मेक श्योर कर सको कि आपको सब समझ आ गया। ठीक है, टेस्ट सीरीज होंगी आपकी, असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे सेशन बेसिस पे। टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, हर 15-20 डेज में जब आपका टेस्ट होता है तो वी आर मेकिंग श्योर कि जितना पढ़ाया आप प्रॉपरली रिवाइज कर लो, ताकि आप पीछे ना रहो। और असाइनमेंट्स की हेल्प से इतने क्वेश्चंस कि आपको कोई दिक्कत ना आए, कि ये ना लगे क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है। सारे नोट्स आप डाउनलोड कर पाओगे जो हम पढ़ाएंगे विद आर ओन फीडबैक, ये ऐसे इंपॉर्टेंट था, ये वैसे इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन इंडेक्स कभी नहीं छोड़ना एंड ऑल। और आपके सारे डाउट ड्यूरिंग द क्लास सॉल्व भी होंगे, क्योंकि सिर्फ मास्टर टीचर्स नहीं, एक टीम ऑफ क्लास टीचर्स भी होती है टू सॉल्व योर डाउट्स। फिर भी कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आया, चैप्टर बेस्ड कोर्सेज, माइक्रो कोर्सेज आपको मिलेंगे कि इन इन चैप्टर में फिर भी डाउट है, उनके लाइव कोर्सेज, चैप्टर बेस्ड कोर्सेज आप ज्वाइन कर पाओगे। फिर क्रैश कोर्सेज होते हैं फ्री में, मिड ईयर में आपको प्री बोर्ड्स के लिए बेटर प्रिपेयर करने के लिए, फाइनल में आप 9th 10th जो भी है फाइनल के साथ भी आप प्रिपेयर कर पाओगे ना बेटर वे। इजंट इट लाइक एन अमेजिंग थिंग, ये सब प्रो लाइट के बेनिफिट है। क्लासिक में आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप, आप ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर पाओगे डाउट सॉल्विंग ऐप पे, जो आपके डाउट आफ्टर द क्लास विद सॉल्व हो पाएंगे कि मैम चैप्टर पढ़ा, ये डाउट आए, अब क्या करें, डाउट सॉल्विंग ऐप पे टाइप करके बता दो, विद इन 20 मिनट्स आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। इजंट इट अमेजिंग थिंग, एंड वर्क्स जनरली फ्रॉम 8 AM टू 11 PM। उसके अलावा प्रो प्लस का एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस इज पर्सनल मेंटर। पूरे साल आपको एक मेंटर प्रोवाइड होगा, अपने ही सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स, जो पूरे साल आपकी हेल्प करेंगे टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, योर परफॉर्मेंस, और यू नो यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग इन अ बेटर वे। जब आपको लग रहा है कि ये कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे, असाइनमेंट के क्वेश्चन, टेस्ट के क्वेश्चन, या थोड़ा मोरल डाउन हो रहा है, टीचर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू थ्रू आउट द जर्नी। तो आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड डील टू हैव, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट टू हैव। तो आप 1 month के लिए ट्रायल भी कर सकते हैं। ट्रायल इज नॉट लाइक कि आपको क्लासेस नहीं अटेंड करने को मिलेगी सारे फीचर्स, बट अगर आप 1 month के लिए करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, एंड पूरा कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हैं, दैट टू ऑन EMI, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। सो प्रो लाइट क्लासिक पे ऐसे क्लिक करोगे तो क्लासिक का प्लान आ जाएगा, ठीक है, कोड अप्लाई करके, और प्लस पे क्लिक करोगे प्लस का प्लान आ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा AG मैम का कूपन, AG प्रो से डिस्काउंट भी मिला, ठीक है। एंड यू कैन चूज एनीथिंग हियर, ये देखो मैंने क्लिक किया, ये आ गया डिस्काउंट के साथ, ये था ओरिजिनल प्राइस, डिस्काउंट हो गया, और प्लान में क्या क्या इंक्लूड्स है, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। क्रेडिट डेबिट कैसे भी आप ले सकते हो। ये स्टूडेंट्स रिमेम्बर, ये 10th क्लास का था, यू कैन ऑल्सो चेंज द प्लान, अगर आप 9th क्लास के लिए करना चाहते हो तो आप 9th क्लास पे भी जा सकते हो, Grade 10 एडिट करो और यहाँ से चूज कर सकते हो, आपको 9th के लिए लेना है, ICSE के लिए लेना है, जो भी आपका एग्जाम है वो आप सेलेक्ट कर लो, एंड यू कैन डू दैट। तो आप जो भी प्लान करोगे वो आपको सब मिल जाएगा, वेदांतों का प्लेटफॉर्म ऐसा दिखाई देगा आपको सारी, जब आप एनरोल कर लोगे। मेरा प्लेटफॉर्म है माई सेशंस में लिस्ट, अपकमिंग सेशन जो आने वाले हैं, माई कोर्सेज में जाके डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में आप ज्वाइन भी कर पाओगे, और पास सेशन में जाके पुराने सेशन भी देख पाओगे जिसमें भी लाइव क्विजेस होती है, यहाँ क्लिक कर दोगे तो आपको उस सेशन के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा, आप शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हो वो भी सफिशियंट है। तो आई थिंक अ जर्नी वर्थ हैविंग, आई मस्ट से, क्या बोलते हो, चलो वापस चलते हैं। तो जितने भी फीचर्स थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कोई भी डाउट हो यू कैन मेल दैट टू मी, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगी फ्रॉम माय साइड, ठीक है। तो AG मैम इज प्रो, AG प्रो याद रखोगे स्टूडेंट्स, रिमेम्बर हर सेशन का कॉस्ट इज हार्डली
कितना रुपीज, 11 रुपीज टू यू, मैं लाइट की बात कर रही हूँ, प्रो लाइट की, ठीक है। तो कुरकुरे स्नैक्स से भी कम है, नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, देख लो 9th वालों, 10th में, 24th में नए बैचेस शुरू हो रहे हैं सीबीएसई और आईसीएसई वालों के भी। आप जेई नीट के लिए भी चाहते हो, अगर आप 10th से 11th में मूव कर रहे हो तो आप वो भी सब्सक्रिप्शन ले पाओगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सबको मजा आया होगा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, vedantu_anubhagaur, और ये आपको हेल्प करेगा टू नो मी बेटर, और मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड और जो भी इन्फॉर्मेशन पॉसिबल है टू हेल्प यू मैं देती रहती हूँ यहाँ पे। तो मत भूलना टू लाइक द वीडियो, एक लाइक मतलब प्यार अनुभव आपके लिए। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, सबको बताओ व्हाई केमिस्ट्री इज सो इम्पॉर्टेंट। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई ईमेल आईडी। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, शावर योर लव, लेट्स मेक इट अ बिग एंड बिग कम्युनिटी, स्टे सेफ एंड टेक केयर, हास्ता नमस्ता।